हिरोशिमा और नागासाकी को कौन नहीं जानता। दरअसल हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो शहर हैं जहां पर साल 1945 में 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने परमाणु हमला किया था। इस परमाणु हमले में 1,00,000 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो गए थे। यह हमला न सिर्फ जन धन को हानि पहुंचाया बल्कि पर्यावरण को भी इससे काफी क्षति हुई। आज के टुडेज एग्जामिनेशन पॉइंट में हम इसी हमले से जुड़ी काली बारिश के घटना पर चर्चा करेंगे। बात 1945 की है जब अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में परमाणु बम से हमला किया तो इसके भयावह परिणाम के रूप में हर तरफ तबाही देखने को मिली। विस्फोट के बाद रेडियोएक्टिव विकिरण के संपर्क में आने और विस्फोट के बाद होने वाली काली बारिश से भी इन शहरों के हजारों लोग मारे गए। दरअसल इस परमाणु बम के हमले से निकलने वाला रेडियोधर्मी पदार्थ इमारतों के मलबे, धूल, कण, कालिक आदि सब मिलकर वातावरण में मशरूम के आकार में बादल के रूप में प्रकट हुए। जब ये पदार्थ वायुमंडल में वाष्प के साथ मिलकर काले रंग के बूंद के रूप में धरती पर गिरने लगे तो उसे ही काली बारिश कहा गया। इस बारिश में काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन जो लोग इस बारिश से बचे उन्होंने इसे बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में बताया। ये बारिश की बूंदें सामान्य बारिश की बूंदों की तुलना में काफी भारी थी। इस काली बारिश में रेडियोधर्मी पदार्थों की उपलब्धता इतनी अधिक थी कि इसके संपर्क में आने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यह बारिश ग्राउंड जीरो से तकरीबन 29 किलोमीटर के क्षेत्रफल में हुई। इसके प्रभाव से कुछ लोग अंधे हो गए तो कुछ लोग कैंसर से पीड़ित हो गए। इसके विकिरण से जीव जंतु तो बुरी तरह से प्रभावित हुए ही थे, लेकिन शहर की जमीन, यहाँ तक कि पानी भी दूषित हो गया। साल 1976 में जापानी सरकार ने हिरोशिमा के हमले के अध्ययन का उपयोग उस क्षेत्र का सीमांकन करने के लिए किया जहां काली बारिश और परमाणु विस्फोट के पीड़ित लोग चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का दावा कर सकें। युद्ध के बाद के तमाम अध्ययन सामने आए और पता चला कि सरकार द्वारा सीमांकित किए क्षेत्रों से 4 गुना अधिक क्षेत्र काली बारिश से प्रभावित हुआ होगा। अध्ययनों के आधार पर कुछ क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया। इस क्षेत्र से बाहर रह रहे 84 लोग काली बारिश की चपेट में थे, लेकिन सरकार द्वारा सीमांकित क्षेत्र में न आने की वजह से ये लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे। लिहाजा ये न्यायालय के समक्ष दलील दिए कि उनके स्वास्थ्य पर भी उसी तरह का प्रभाव पड़ा था जैसा कि उस घोषित इलाके में रह रहे लोगों पर। इसी सिलसिले में हाल ही में हिरोशिमा जिला न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इन लोगों को हिबाकुशा के रूप में मान्यता देते हुए कहा कि काली बारिश से भीगने वाले लोगों की भांति ये लोग भी ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिन्हें परमाणु बम से संबंधित माना जाता है। आपको बता दें कि परमाणु हमले के पीड़ितों को हिरोशिमा में स्थानीय लोग हिबाकुशा कहते हैं। न्यायालय के इस निर्णय के बाद ये 84 वादी भी अब विस्फोट के पीड़ितों के रूप में उपलब्ध निःशुल्क चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। आज के टुडेज एग्जामिनेशन पॉइंट में बस इतना ही। अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप देखते रहिए टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट।